हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और जी खुश होंगे। तो आप सबका एक और नए ब्लॉग में मेरे स्वागत है। तो आज धुंध पड़ रही है, धूप बिल्कुल भी निकली नहीं हुई है। वहाँ आप सूरज देवता देख सकते हैं, शायद दिख रहा हो, तो मतलब है ही नहीं धूप, बादल बादल छाए हुए हैं। कल रात को मैंने कपड़े धोए थे और मुझे नहीं लगता आज ये सूखेंगे भी। तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम भी काफ़ी हो चुका है और मैंने जो है काम अभी ख़त्म किया नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ किचन समेटा है और मैंने मीशो को यहाँ घुसा दिया। आज मैं इसको ना बाहर नहीं निकाल रही, चादर झड़का दी है और इसको यहाँ पे घुसा दिया मैंने कंबल में, ठीक है, क्योंकि बाहर निकलने का आज कोई मौसम है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज तो मैंने कैप पीस की इसलिए ओढ़ी हुई है क्योंकि कानों को तो जो है ठंड ना लगे, इस वजह से। तो चलिए जी, अपना काम ख़त्म करते हैं, नहाते धोते हैं, वही डेली का जो भी काम होता है वो ख़त्म करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी, मेरा लग गया है पोचा सारे, तो ये सूख जाएगा एकदम से। अभी सिर्फ एक मिनट के लिए धूप निकली है, अच्छी सी लग रही है। वैसे आज पूरा दिन निकलने वाली नहीं है और मैंने जो है अंदर फैन चला रखा है ताकि सूख जाए, क्योंकि सूखने वाला नहीं। आज मैंने कंबल भी मेरा अंदर ही पड़ा है और मीशो को भी मैंने अच्छे मोटे खासे पहना रखे हैं कपड़े ताकि ठंड ना लगे। बस मेरे ये जो कपड़े हैं वो सूख जाए ताकि मैं आज इनको प्रेस करके रख दूं। और मिशिका का मैंने पानी गर्म, गीजर चला रखा है तो पानी गर्म हो रहा है, तो अभी बस इसको नहलाना है मुझे पायदान डालने के बाद। ये क्या कर रही है? घुमा रही है। क्या घुमा रही है मिशु? मुझे ये चाहिए। नहीं, मेरा कहा है गुदा। नहीं, मुझे मनी चाहिए बेटा। मनी है आपके पास? मम्मा, मेरा है ये। ये मेरा है, मेरा है, मीशु को ऐसे लड़ने में बड़ा मजा आता है ना मीशु। लो जी, सूख गया है यहाँ से, तो पायदान डाल देते हैं यहाँ पे। एक डलेगा यहाँ पे दोनों बाथरूम की साइड, और फैन कर देते हैं बंद, या मिशु का पानी चला देते हैं। भी है यहाँ पे रेडी। मैंने इसको सॉक्स भी डाल दिए हैं और आज अच्छे मोटे कपड़े इसको पहना दिए हैं और पीछे इसकी जो है चोटी भी बना दी है। तो ये देखिए इसकी चोटी, और यहाँ पर मैंने जो है इसके क्लिप लगा दी अच्छे से। ये होगी मेरी लाडो रेडी, मेरी लाडो रेडी। हाँ, ये देखो भैया, ये देखो। चलो ठीक है मिशी, चलो बेड पे बैठो अब। ये देखो मिशी खुद दिखा रहा है। चलो जी, इस लड़की के काम। मिशु, तेरी पिटाई बहुत हो जाएगी, इसको पता नहीं क्या मजा आता है प्याज को छीलने में। अभी झाड़ू पोछा करके हटी नहीं हूं मैं, और यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ आलू की और मटर की। मटर मेरी भिगो के मैंने रखी है पानी में। ये रही मेरी मटर, सिंपल सी सब्जी बनाएंगे बिना मसालों की। लो जी, मेरी रसोई हो चुकी है तहस नहस बुरे वाली, और ये लड़की जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मीशु, क्या बेटा ये, कुछ तो खाना बनाते वक्त हो जाता है ये गंद मच जाता है। यहाँ मेरी सब्जी बन गई है, बस ये गली गली बाकी है। और ये है एक, तो जी मैंने मसाला दानी जो है बिल्कुल साफ करके अच्छे से, तो मैंने ये भर दी है। और मीशु यहाँ चिपटी हुई है मेरे, देख लो, काम भी नहीं करने दे रही है। इसको रख देते हैं अपनी जगह पर। जी, मैं यहाँ पर नहा ली हूँ, खाना वाना बना लिया है। इसके पापा और मीशु गए हैं दूध लेने के लिए, तो मैंने सोचा इतने वो आएंगे इतने नहा लेती हूँ। और जी, ये स्वेटर जो है मेरी घर पे डालने के लिए है, तो नीचे जो है घर में तो लोअर टी शर्ट ही डाले जाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने सोचा ये स्वेटर जो है वो यूज़ भी हो जाएगी और काफ़ी गर्म भी है, बाहर आने जाने की नहीं है, लेकिन घर पर तो हम इसको आराम से पहन सकते हैं। ठंड भी काफ़ी हो ही चुकी है कि घर में भी जो है स्वेटर वगैरह पहन के रखना पड़ेगा।
जी गाइस, तो मैं भी नहा ली हूँ और आज काफी ठंड है क्योंकि धूप नहीं है बाहर, तो मैंने स्वेटर डाल ली अच्छी खासी मोटी। तो घर पे जो है स्वेटर सही रहती है वैसे, क्योंकि कंफर्टेबल भी होती है और ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगती। नीचे जो है सिंपल टी शर्ट डाली है। इसके पापा और मिशिका गए हैं दूध लेने के लिए और मैं इतने जो बाहर कपड़े सूख रहे हैं तो देखती हूँ कितने सूख गए हैं नहीं, तो उनको अंदर लेकर आती हूँ क्योंकि फायदा नहीं है, धूप है नहीं, तो देखते हैं। तो चलिए जी, मैं कपड़े उतार लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। खाना मैंने बना दिया लेकिन खाना बाकी है, तो इन्होंने कहा फिर दुकान बंद हो जाएगी, तो इस वजह से जो है मैं दूध ले आता हूँ और तो इतने नहा धो ले और फिर जो है खाना खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तो जी मैं कपड़े उतार के लाती हूँ फिर उसके बाद जो है आपसे मिलती हूँ। तो जी खाना वगैरह हमने खा लिया है और साथ में मीशू जो है अपनी शरारतों के साथ जो है खाना खा रही है। खाना तो क्या खाती है, ये खीरा ली हुई है मुंह में और बॉल पे बैठी है, तो इसको खाना खाते हुए भी सारी शरारतें चाहिए, बच्चों का तो यही रहता है। तो जी इवनिंग रूटीन शुरू हो गया है। यहाँ बोतल में मैंने गर्म पानी करके डाला है क्योंकि फिर इसी टोपे में मैं चाय का काम कर लूँगी, कॉफ़ी दूध जो भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं इनको कॉफ़ी बना करके दूँगी, तो क्योंकि वो उनका उठने का टाइम हो गया है, उन्होंने जिस टाइम पे बोला था उसी टाइम पे मैं रेडी करके दे देती हूँ। ये देखिए फटाक देसी इनकी कॉफ़ी बन जाती है। और यहाँ पर मैं जो है मीशू का दूध बना रही हूँ, उनको कॉफ़ी दे आई हूँ, लाइट जल रही है देख सकते हैं। अब मीशू का दूध बनाकर उसको बिठा दूँगी, दे दूँगी, तो उसके पापा साथ साथ बैठ जाएंगे उसके और उसको पिला देंगे। तो उसके दूध में मैं चीनी तो कभी नहीं डालती, शक्कर या खांड डालती हूँ। ये देखिए मैंने रख दिया है उसका दूध यहाँ पर और वो उस कमरे में बैठी थी, तो मैं अब बस इसको इस कमरे में मैं बिठा दूँगी इसके पापा के साथ, क्योंकि अकेले मैं इसको बिठा नहीं सकती, ये दूध गिरा भी सकती है, तो इस वजह से। तो अब मैं अपनी चाय बनाऊंगी। गाइस मैं खाना वाना बनाकर इनका टिफिन पैक करके बर्तन धो के चाय के आ गई हूँ और ये हमारी गाड़ी खड़ी है अंदर ही, क्योंकि अच्छा इनके प्रोणा जा चुके हैं तो अब बाहर कर सकते हैं ये, क्योंकि इनका बटे हुआ रहा था बटे हुआ इनका प्रोणा आ रहा था तो आज ही गए हैं वो, तो इस वजह से हमारी अंदर थी और उनकी बाहर थी, तो इसको भी अंदर कर देंगे। और आंटी और के नहीं लग रहे, अब बैंगन लग भी रहे होते हैं तो ये खुद ही तोड़ के ले जाते हैं, हमें नहीं देते हैं क्योंकि बड़े आदमी ज़्यादा लोभी होते हैं, ये बैंगन नहीं खाते हैं। हालांकि बुढ़ापे में किसको बैंगन पसंद है, किसी को पसंद नहीं होते। और सूरज देवता भी हमारा छिप चुका है, काफ़ी दिन के बाद मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि मैं निकलती ही नहीं हूँ एक्चुअली बाहर, और मैं बैंगन देखने आई थी स्पेशली क्योंकि बैंगन एक भी नहीं, आप देख सकते हैं जितने भी होते हैं साथ के साथ जो है मकान मालिक तोड़ लेते हैं और हमें ये लोग नहीं देते हैं क्योंकि ये हैं बहुत ज़्यादा कंजूस, जितना ज़्यादा पैसे वाला आदमी वो उतना ही ज़्यादा कंजूस होता है। अभी मैं दिखाती हूँ, इसके पापा हो गए हैं रेडी बिल्कुल ऑफिस जाने के लिए, ये रहे रेडी हो गए हैं ये। और यहाँ मीशू है, क्या इसको एप्पल दिए मैंने खाने के लिए, और यहाँ पे मैंने जोत जला दी है, यहाँ पे मैंने दोनों कैंडल रख दी थी, यहीं पे रख दी है मैंने ऊपर एक, मैंने जो है यहाँ रख दी है, जलाई नहीं है अभी तो एक यहाँ रख दी है। और ये जो है ये मेरी करवा चौथ पे व्रत रखा था ना तब लेकर आए थे, तो एक तो दे दी थी हमने, ये बहुत सुंदर थी तो इसलिए हमने ये रख ली। एक तो इस स्टैंड को फोल्ड करके रखूंगी क्योंकि खाम खाई की यहाँ पे जगह गिर रही है। यहाँ पे जो है कंबल को मैं फैला देती हूँ इस टाइम पे, ये बेचारा भी ओढ़े रखेगा, इसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये पूरा ढक देती हूँ, बाहर भी मौसम जो है वो ठंड का हो गया है और बाहर मेरा इस टाइम कुछ नहीं होता, इसके पापा नहाते हैं तो इनका ही तौलिया वगैरह रखा होता है, बाकी कुछ भी नहीं रखते हम यहाँ बाहर।
तो जी ये इन्होंने छोटी सी क्लिप बनाई थी अपनी छोटी सी सुबह सुबह के ऑफिस से आते हुए, तो ये साइकिल पे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी धुंध हो रखी है बहुत बुरे वाली, और साथ के साथ इतना कोहरा होता है और ऊपर से थोड़ा अंधेरा भी होता है। थोड़ा संभल के ही आते हैं क्योंकि 4-5 बजे तो कोई नहीं आता जाता इतना। भाई मीशू ने कहा है कि मम्मी मेरी वीडियो बनाओ, मैं कूद रही हूँ। तो कूदो मीशू, कैसे कूद रहे हो? ओए होए, देख दांत ना लग जाए जीभ के बेटा। ये क्या है? ऐसे नहीं करती गंदा बच्चा, ये कहेंगे सारे गंदे मीचू, गंदा मीचू बच। तो गाइज इस टाइम माँ बेटे हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं, एक हमारा प्राइवेसी पूरा हमें मिल जाता है क्योंकि दोपहर में हम इतना चिल्ला नहीं सकते, इसके पापा सो रहे होते हैं। हाँ बिट्टू, कौन सा फोन बंद हो गया? वो टीवी। कल मुझे मीशू बोलती है मम्मी, नहीं ऐसे नहीं करते गंदी, मम्मी मुझे मनी चाहिए, मनी। इसको ये पता है कि मनी क्या चीज होती है? ले लो छोटी सी चीज। मम्मी मनी है, लाओ दो। थैंक यू। थैंक यू। और दू है आपके पास? हाँ। दो। थैंक यू। एक डॉलर। ओ माय गॉड, शी नोज डॉलर, डॉलर क्या होते हैं। ओ माय गॉड। मैं तो गाइस इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। वैसे तो मिशिका मैडम ने कर दिया। हाँ देख लिया, जाला लगा हुआ है और जाला लगा हुआ तो उसको डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर चुप। तो गाइस कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।